Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888432636, 9988188801. आज हमने हरियाणा एसटीएफ जो है वहाँ हमारे आईजी साहब श्री बी सतीश बालन जी के निर्देशानुसार व श्री हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के निर्देशानुसार हमने आज 2009 के पंचकुला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी थे राजू व शिल्पा जो कि 2009 से फरार चल रहे थे वे हमारे मोस्ट वांटेड थे उनको हमारे अंबाला यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने कल इंदौर से काबू किया है और उसके अंदर हम ये दोनों 50,000 रुपए के मोस्ट वांटेड थे और इन दोनों को हम इंदौर से काबू करके आज दीपेंद्र जी की टीम यहां पर लेके आई है जिनको हमने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के सम्मुख पेश किया है जो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जो मर्डर हुआ था क्या मकसद था, किस तरह से ये राजू व शिल्पा जो दोनों एक्यूज्ड हैं ये इस केस के मुख्य आरोपी थे। इन दोनों ने अपने और बाकी साथियों के साथ मिलके श्री विनोद मित्तल व उनके 4 साल के बच्चे जो कि यशन मित्तल था उन दोनों का मर्डर किया था और उसके अंदर हमने पहले 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनको मतलब कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है, जिनमें से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। तो उस केस के अंदर ये जो मेन एक्यूज थे ये सिंस मतलब फरवरी 2009 तब से फरार चल रहे थे और कल हमने इनको वहाँ से इंदौर से काबू करने में सफलता हासिल की है। तो मैं इसमें श्री दीपेंद्र प्रताप जी जो हमारे अंबाला यूनिट के इंचार्ज हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर मर्डर के 14 साल बाद पकड़ पाना कैसे सफल हो पाया क्योंकि बाकी आरोपी पकड़े गए थे उनको सजा भी हो चुकी थी, इतनी देरी से कैसे? ये एक्चुअल में तब यहाँ से मौके से फरार हो गए थे और ये उसके बाद से किसी भी के भी मतलब ना अपने परिवार के ना अपने रिश्तेदारों के ना अपने यारों दोस्तों के किसी के भी टच में नहीं थे। इवन कि जब हमने अब इनको गिरफ्तार करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की है तो हमारे एक्यूज्ड को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि इसकी मदर फादर या इसके भाई मतलब कहाँ रहते हैं या इसके फादर मदर अभी ज़िंदा भी हैं या नहीं है, इस चीज़ को अभी इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है मेन एक्यूज्ड को। तो ये किसी के भी टच में नहीं थे, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था और ये हमारी हरियाणा की वेबसाइट जब हमारी 2009 के अंदर अपलोड हुई थी तो जब हमने इनमें मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट अपलोड की थी उसके अंदर हमारे सीरियल नंबर 1 और 2 पे ये सबसे ऊपर आते थे क्योंकि उस टाइम के समय के हिसाब से ये 50,000 रुपये के मतलब बहुत ज़्यादा इनाम था तो उसके हिसाब से हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था। तब से ये हमारी लिस्ट के अंदर हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर थे लेकिन काबू करना बहुत मुश्किल था, ये किसी के भी टच में नहीं थे इस कारण इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था लेकिन अभी हमने इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो कहाँ रह रहे थे, क्या नाम बदल के रह रहे थे, किस तरह से ये इस दौरान अलग अलग शहरों में रहे हैं, कभी शिरडी कभी हैदराबाद कभी इंदौर और इन्होंने हर जगह अपना नाम बदला है। अभी भी ये अपनी एक डिफरेंट आईडी के साथ और डिफरेंट नेम के साथ छुपे हुए थे और अपना बिजनेस कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। सर राजू और शिल्पा के अलावा भी और कुछ शामिल हो सकते हैं? अभी तक हम मतलब पूछताछ करेंगे, अभी तक हमने प्राइमरी पूछताछ की है इस केस की, हमने पहले वैसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेन ये था कि इन्होंने मर्डर करने के बाद हमारा जो श्री विनोद मित्तल जी हैं उनकी हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक नहर के अंदर फेंका और जब बच्चा उनके साथ था जो उनके घर पे मतलब कि इनके विनोद मित्तल जी के साथ था तो इन्होंने कि बच्चा घर पे जाकर बतला ना दे इसलिए उसको बेचारे को जिंदा ही इन्होंने 4 साल के बच्चे को नहर के अंदर फेंक दिया था जो हमारी पहले के एक्यूज्ड की स्टोरी के अकॉर्डिंग आया है और जिसके आधार पर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन हम आगे फर्दर अब इनसे भी पूछताछ करेंगे कि उन एक्यूज के अलावा कोई और फर्दर इनके साथ शामिल था तो हम उसके हिसाब से आगे की तफ्तीश करेंगे। महालक्ष्मी रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड लग्जरी। कॉन्टैक्ट राम कुमार चौधरी
7005459581. Deals in plots, Koti, commercial plot and Tolo service. Office, Govind Bihar Dappad, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.